प्यारे बच्चों, आज हम सेवंथ क्लास के सोशल साइंस में सीरीज का एक लेसन है कि इक्विलिटी समानता क्या होती है। फर्स्ट लेसन को सेकंड बुक के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। समानता, आप समानता से क्या समझते हैं कि समानता क्या है? समानता होती है एक बहुत ही छोटी क्रम है, कमी ही शब्दों के अंदर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि समानता समानता होती कि किसी भी जाति धर्म लिंग का भेदभाव न करते हुए सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता कहलाता है। कि सभी व्यक्तियों किसी भी धर्म किसी भी जाति किसी भी लिंग किसी भी क्षेत्र से संबंध रखने वाला व्यक्ति है सभी को अवसर समान होने चाहिए और यही क्या कहलाती है समानता कहलाती है कि सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। अगर हम देखते हैं कि भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश वो होता है जिसमें व्यक्तियों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार में जाते हैं, सरकार बनाते हैं और वही क्या करते हैं देश को चलाने का प्रयास करते हैं। यानी सभी व्यक्ति किसके द्वारा, लोकतांत्रिक जनता के द्वारा चुने जाते हैं और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण भारत के अंदर समानता पाई जाती है। अब लोकतांत्रिक जो देश होता है, हम समानता को समझाए, अब लोकतांत्रिक देश के तत्व होते हैं कुछ, जैसे भारत के तत्व, इसी के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर क्या होती है कि लोगों की भागीदारी पाई जाती है, लोगों की समान भागीदारी होती है कि सभी व्यक्ति क्या करते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं, सभी अपना पार्टिसिपेट करते हैं, समान भागीदारी। उसके बाद है समान भागीदारी के बाद कि संघर्ष होते हैं उस शांतिपूर्ण का समाधान क्या है, संघर्षों का शांतिपूर्वक समाधान किया जाए, सभी को समान समझा जाए और निष्पक्ष न्याय, ये सभी क्या होते हैं लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनके एलिमेंट पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर जो समानता है वो हम हर क्षेत्र में शिक्षा से लेके नौकरियों तक समानता पाई गई, यानी सभी को समान अवसर उपलब्ध है। हम अपने कौशल और ज्ञान के द्वारा किसी भी क्षेत्र में अपने आप का प्रतिनिधित्व कर सकते, जैसे एक समानता है मताधिकार की समानता, मताधिकार की समानता। अब मताधिकार की समानता है, इट मीन्स वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी धर्म किसी भी जाति से संबंध रखने वाला है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, अगर उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो वह वोट डालने की समानता रखता है, अधिकार रखता है। मतलब हम समझ सकते हैं कि मताधिकार की समानता के कारण सार्वभौमिक मताधिकार सभी को सरकार ने प्रदान करने का कार्य किया है। इसके बाद है कि असमानता क्या होती है, समानता के बाद असमानता के ऊपर आते हैं। सभी को समान अवसर है, यह समानता है, लेकिन बहुत क्षेत्र के अंदर इसकी डिस्पैरिटीज पाई जाती है। असमानता होती है कि हमें जाति धर्म लिंग के आधार के ऊपर कुछ अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं और उन अधिकारों से हमें वंचित रखा जाता है, चाहे उसके अंदर जातिगत व्यवस्था है, चाहे हम शिक्षा क्षेत्र को ले सकते हैं, जातिगत व्यवस्था है, स्त्रियों के साथ भेदभाव की समस्या है,
यानी महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा हीन समझा जाता है, क्योंकि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। इट मीन्स महिलाओं के साथ असमानता का भेदभाव बरता जाता है। जातिगत व्यवस्था के अंदर बहुत सी जातियों के अंदर समाज को बांटा गया है, जिससे असमानता की भावना हमारे समाज में फैल जाती है। और ये सभी इसके अंदर समानता का रिवर्स इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। सभी जो ऐसी वस्तुएं या ऐसे तत्व जो मैंने समाज से एक अलग क्षेत्र के अंदर धकेलने का प्रयास करते हैं, उसको असमानता कहा जाता है। आप एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी क्षेत्र में जो उच्च जाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको पूर्ण क्षेत्राधिकार रखा जाता है और कुछ को नहीं रखा जाता। जिससे नहीं रखा जाता, वो असमानता के भेदभाव की जो स्थिति है वो वहां संपन्न हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें समानता क्या है। भारतीय लोकतंत्र के अंदर, भारतीय लोकतंत्र में समानता को कैसे प्रदर्शित किया गया कि भारतीय जो लोकतंत्र है, भारतीय संविधान है, उसमें क्या माना गया है कि सभी व्यक्ति समान है, सभी व्यक्ति समान है, चाहे किसी भी जाति धर्म अमीर गरीब क्यों ना हो, संविधान के सामने सभी समान है। सेकंड पॉइंट है कि संविधान में प्रावधान है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार, संविधान के प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ, सभी कोई भी व्यक्ति है उसके साथ जाति धर्म रंग लिंग इत्यादि के आधार के ऊपर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ये लोकतंत्र के अंदर समान अधिकार दिए गए हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन कि छुआछूत, इसमें निषेध बताया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रयास भारतीय संविधान में किया गया, सभी व्यक्ति को समान माना गया है। इसके बाद आता है कि इसमें बहुत से तत्व ऐसे हैं जिन्होंने हमारे जो असमानता है या समानता को प्रदर्शित करने का प्रयास लोकतंत्र में किया है। इसके द्वारा कि कानून बनाए गए, नए कानून बनाकर जिसके अंदर स्पष्टता का उन्मूलन है, नए कानून बनाकर समाज को इसके प्रति जागरूक करके, कि हम जागरूक करके भी समानता को बढ़ाया जा सके, असमानता को कम किया जा सके, व्यक्तियों को जागरूक करके नए कानून बनाकर भारतीय लोकतंत्र में समानता को बढ़ाया गया। इसके बाद आता है कि एक हमारे संपूर्ण भारत के अंदर 2001 में एक सरकार के द्वारा समाज के अंदर समानता फैलाने और शिक्षा क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देने के 2001 में मिड डे मील यानी जो प्राथमिक विद्यालय है उनके अंदर सभी जो गरीब तबके से संबंध रखने वाले बच्चे उनको भोजन उपलब्ध कराने की क्या थी एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसको 6 महीने के अंदर, वैसे इसको सबसे पहले चलाने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक राज्य है, सॉरी तमिलनाडु के अंदर इसकी जो चलाया गया है, सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। उसके बाद संपूर्ण 6 महीने के अंदर, संपूर्ण 6 माह के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया। इसके द्वारा असमानता कैसे प्रदर्शित
कम हुई है कि एक समाज के सभी बच्चे अगर एक ही स्थान के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं तो उनके अंदर जो एक असमानता की हीन भावना होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो भारतीय लोकतंत्र के अंदर ये सब कुछ कार्य करने का सरकार ने प्रयास किया। इसके बहुत से मिड डे मील के बहुत से और भी फायदे हैं कि आप इसके द्वारा गरीब परिवार से संबंध रखने वाले बच्चों को समय के ऊपर क्या मिल जाता है, भोजन उपलब्ध हो जाता है। ये जो जातिगत पूर्वाग्रह है, जो जातिगत पूर्वाग्रह है हमारे समाज में फैला हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे जो असमानता जैसी स्थिति है वो भारतीय लोकतंत्र के अंदर समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अब जो प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना सतत संघर्ष करना कि समाज के अंदर क्या क्या गए कि समानता समान समाज को बनाया जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रत्येक व्यक्ति को इसके अंदर अपना सहयोग देना चाहिए कि हम समाज को क्या बना सके, समान बनाया जा सके, न कि हम जाति धर्म लिंग इत्यादि के आधार के ऊपर एक व्यक्ति से जातिगत या किसी भी प्रकार की असमानता का भाव अपने दिमाग में लेके आए, उसको कम करने का प्रयास हमें किया जाना चाहिए। और यही सरकार की क्या होती है, लगातार समय समय के ऊपर सरकार ने किसी के ऊपर आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। जैसे आप अन्य जो लोकतांत्रिक देश है भारत की अपेक्षा हम अन्य लोकतांत्रिक देश में यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं। यूएसए में अफ्रीकी अमेरिकन लोग यानी जिस समय अफ्रीका गुलाम होता था उसमें बहुत से अफ्रीकी व्यक्तियों को अमेरिका के अंदर कार्य करने के लिए लेकर आया गया। अब उन व्यक्तियों के साथ भी क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और उन्होंने 1950 में एक संगठन ने इसके ऊपर कार्य करने का प्रयास किया और एक महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया, नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया, जिसके अनुसार इन्होंने जो समाज में फैली असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया। और सरकार ने 1964 के अंदर एक नया बिल बनाकर इस जो अधिकार के द्वारा जो क्षेत्र के अंदर असमानता फैली हुई थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। अगर इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के संविधान के अंदर कि भारतीय संविधान में कुछ बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं, जैसे एक है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 बताता है कि सभी व्यक्तियों के साथ कोई व्यक्ति है उसके साथ किसी भी प्रकार का धर्म जाति लिंग के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाए, यानी जाति धर्म लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई, भेदभाव को समाप्त किया जाए या भेदभाव की मनाही, यानी हम किसी भी व्यक्ति के साथ आर्टिकल 15 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म लिंग इत्यादि के आधार के ऊपर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद चुनौतियां हमारे सामने आती हैं कि लोकतंत्र में बहुत सी चुनौतियां हैं, जैसे हमारे देश में भी है कि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार उपलब्ध नहीं करवाए, तो हमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार उपलब्ध करवाने चाहिए, भ्रष्टाचार जैसी स्थिति के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि जो
आने वाले भविष्य के अंदर है वो असमानता को कम करके हम समान समाज की स्थापना कर सकें। इसके बाद आपने आपके पुस्तक के इस अध्याय के बारे में काफी केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद किसी भी प्रकार की समस्या इसके बारे में रह जाती है तो हम अगले वाली क्लास के अंदर उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे।